नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और ये है सैमसंग गैलेक्सी M14 5G। दोस्तों, अगर आपने इस फोन को परचेस किया है या अगर आप इसे परचेस करने वाले हो तो जैसे आप अपने फोन में सेटअप कंप्लीट करोगे उसके तुरंत बाद आपको चेंज करनी है आपके फोन में ये 20 सेटिंग्स। इन सभी 20 सेटिंग्स को चेंज करना काफी जरूरी है आपके फोन के सेफ्टी, सिक्योरिटी और प्रोडक्टिविटी के लिए, ताकि आप काफी बेहतर तरीके से अपने फोन को यूज कर सको। तो आइए दोस्तों, चेंज करते हैं उन सभी 20 सेटिंग्स को वन बाय वन। इस फोन में आप डबल टैप टू लॉक और डबल टैप टू अन की फीचर को यूज कर सकते हो इस तरीके से। तो इसे ऑन करने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, एडवांस फीचर्स में, मोशंस एंड जेस्चर्स में, और यहाँ पे होंगे दो ऑप्शंस, डबल टैप टू टर्न ऑन और डबल टैप टू टर्न ऑफ। आपको दोनों को ऑन करना है। इस फोन में ब्राइटनेस को एडजस्ट करने के लिए आपको करने पड़ते हैं दो बार स्वाइप। जैसे कि अगर आप पहली बार स्वाइप करोगे ऊपर में आपको यहाँ पे ब्राइटनेस बार शो नहीं करेगा, दोबारा स्वाइप करने पे आपको मिलेगा नीचे ब्राइटनेस बार, और यहां से आप ब्राइटनेस को कर पाओगे एडजस्ट। हालांकि अगर आप चाहते हो ब्राइटनेस बार ऊपर में ही शो करे एक बार स्वाइप करने पे, तो आप ऐसा भी इनेबल कर सकते हो। तो आपको कंट्रोल सेंटर में थ्री डॉट पे टैप करना है और यहाँ पे होगा क्विक पैनल लेआउट, टैप कीजिए, ब्राइटनेस कंट्रोल पे टैप कीजिए और यहाँ पे होगा शो ऑलवेज, इस पे सिलेक्शन कीजिए, डन कीजिए। तो ब्राइटनेस को चेंज करना काफी आसान हुआ है, बस आपको एक बार स्वाइप करना है और ये रहा ब्राइटनेस बार, अब आपको यहाँ पे टॉप में ही शो करेगा। इस फोन में कई सारे यूजफुल क्विक टॉगल्स को हाइड करके रखा गया है, तो उन्हें अनहाइड करने के लिए आपको जाना है कंट्रोल सेंटर में, एडिट बटन्स पे टैप कीजिए और यहाँ पे आपको मिलेंगे काफी यूजफुल क्विक टॉगल्स, जैसे कि टेक्स्ट स्क्रीनशॉट, तो लॉन्ग टैप करके इसे ड्रैग कीजिए, एक्स्ट्रा डिम, इसके अलावा किड्स मोड, डॉल्बी एटमोस, प्रोटेक्ट बैटरी, डन कीजिए। तो अब आप इन टॉगल्स को यही से यूज कर पाओगे, जैसे कि स्क्रीनशॉट को कैप्चर करना, इसके अलावा सिक्योर फोल्डर, किड्स मोड, एक्स्ट्रा डिम, डॉल्बी एटमोस को ऑन ऑफ करना, आप अब यही से कर पाओगे वन टैप में इन्हें ऑन ऑफ। इस फोन में अगर आपको टॉर्च को ऑन ऑफ करना हुआ तो आपको जाना है कंट्रोल सेंटर में और ये रहा टॉर्च, आप यहाँ पे वन टैप में टॉर्च को ऑन ऑफ कर पाओगे। हालांकि टॉर्च की जो ब्राइटनेस है दो लेवल पे सेट की गई है, जिसे आप 5 लेवल पे भी सेट कर सकते हो। 5 लेवल पे सेट करना मतलब कि ब्राइटनेस काफी ज्यादा रहेगी लाइट की, तो उसके लिए आपको सबसे पहले इसे ऑन करना है, फिर टॉर्च जो लिखा हुआ है टॉर्च के नाम पे टैप करना है और जो ब्राइटनेस लेवल है उसे मैक्सिमम पे सेट करना है, डन करना है। इसके बाद टॉर्च की ब्राइटनेस पहले से ज्यादा हो जाएगी। अगर आपने अपने फोन में पिन को सेट किया होगा फोन को अनलॉक करने के लिए, तो आपने गौर किया होगा जब भी आप अपने फोन में पिन को एंटर करते हो तब आपको एंड में टैप करना पड़ता है ओके पे। अगर आप ओके पे टैप नहीं करोगे तो आपका फोन अनलॉक नहीं होगा, ओके पे टैप करने के बाद ही आपका फोन अनलॉक होगा। तो अगर आप चाहते हो ओके पे टैप किए बिना आपका फोन अनलॉक हो जाए तो आप ऐसा भी इनेबल कर सकते हो। तो आपको जाना है सेटिंग्स में, लॉक स्क्रीन में, स्क्रीन लॉक टाइप में, पिन पे टैप कीजिए और आपको अपना पिन, सेम पिन एंटर करना है जो आप यूज करते हो। उसके बाद नीचे यहाँ पे सर्कल होगा, सर्कल में टिक कीजिए, कंटिन्यू कीजिए, आपके पिन को फिर से वेरीफाई कीजिए, ओके कीजिए। इसके बाद अब मुझे अपने फोन में ओके पे टैप नहीं करना पड़ेगा, तो आप देखोगे अब बिना ओके पे टैप किए मैं अपने फोन को अनलॉक कर पाऊंगा, मैं पिन को एंटर करूंगा उसके बाद बिना ओके पे टैप किए मेरा फोन अनलॉक हो जाएगा। अगर आपने अपने फोन में फेस अनलॉक को इनेबल किया होगा तो आपने गौर किया होगा जब भी आप अपने फोन को फेस से स्कैन करके अनलॉक करते हो तो इस तरीके से लॉक तो खुल जाता है, आपका फोन अनलॉक हो जाता है, लेकिन आपको एंड में करना पड़ता है स्वाइप अप, उसके बाद ही आप अपने फोन को अनलॉक कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो बिना स्वाइप अप किए आपका फोन डायरेक्टली अनलॉक हो जाए तो आप ऐसा भी इनेबल कर सकते हो, आपको स्वाइप अप नहीं करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में, बायोमेट्रिक्स पर टैप कीजिए, फेस रिकॉग्निशन, और यहाँ पे जो ऑप्शन है स्टे ऑन लॉक स्क्रीन आपको इसे ऑफ करना है। इसके बाद अगर मैं अपने फोन को फेस से स्कैन करके अनलॉक करूंगा तो मुझे आप स्वाइप अप नहीं करना पड़ेगा, मेरा फोन डायरेक्ट हो जाएगा अनलॉक। इस तरीके से आप देख सकते हो बिना स्वाइप अप किए। क्या आपको पता है आप अपने फोन में बिना किसी ऐप को डाउनलोड किए व्हाट्सएप के डिलीट किए गए मैसेज को भी बड़ी आसानी से रीड कर सकते हो? जैसे कि अगर आप देखोगे व्हाट्सएप में इस कॉन्टैक्ट ने दो मैसेज को किया डिलीट, अगर मुझे जानना हुआ कि मैसेज एक्चुअली क्या थे तो आप उसे रीड कर सकते हो। तो आपको जाना है सेटिंग्स में, नोटिफिकेशन में, एडवांस सेटिंग्स में, नोटिफिकेशन हिस्ट्री पे टैप कीजिए, इसे ऑन कीजिए। इसके बाद यहाँ पे लास्ट 24 आवर में होगा व्हाट्सएप का ये ऑप्शन, आपको एरो पे टैप करना है और यहाँ पे होंगे वो सभी मैसेज जो सामने वाले ने किए थे डिलीट, आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो। इस तरीके से आप इस फोन में बिना किसी अनाउंसमेंट के अपने कॉल्स को ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड कर सकते हो, मतलब कि आपके कॉल्स रिकॉर्ड भी होंगे लेकिन सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा। तो इसे इनेबल करने के लिए आपको जाना है फोन ऐप में, सेटिंग्स में,
रिकॉर्ड कॉल्स को ओपन कीजिए, ऑटो रिकॉर्ड कॉल्स को ऑन कीजिए, कंफर्म कीजिए। अब इसके बाद आपके सारे कॉल्स आपके फोन में ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होंगे और जो भी रिकॉर्ड्स होंगे वो सारे कॉल्स आप देख पाओगे रिकॉर्डेड कॉल्स में। ऑडियो फाइल को ओपन कीजिए और यहाँ पे शो करेंगे आपके सारे कॉल रिकॉर्डिंग्स। आप अपने फोन में फुल स्क्रीन कॉलर आईडी को भी इनेबल कर सकते हो, मतलब कि अगर कोई भी कॉल आएगा तो आपको पूरे स्क्रीन में उसकी फोटो शो करेगी। तो इसे इनेबल करने के लिए आपको जाना है फोन ऐप में, कॉन्टैक्ट्स पे टैप कीजिए। जिस किसी कॉन्टैक्ट की फोटो आपको सेट करनी है आपको उस कॉन्टैक्ट पे टैप करना है। आई पे टैप कीजिए, पेंसिल के आइकन पे टैप कीजिए, व्यू मोर पे टैप कीजिए और यहाँ पे होगा कॉल बैकग्राउंड का ये ऑप्शन, आपको इस पे टैप करना है। परमिशन को अलाउ कीजिए, बैकग्राउंड पे टैप कीजिए, प्लस के साइन पे टैप कीजिए, सिलेक्ट फ्रॉम गैलरी, जिस फोटो को आपको सेट करना है आपको उस पे टैप करना है इस तरीके से, फिर करिए सेट एज कॉल बैकग्राउंड, सेव कीजिए एंड में। तो इस कॉन्टैक्ट से अगर आपको कहीं भी कॉल आएगा या अगर आप इसे कॉल करोगे तो आपको मिलेगा इस तरीके से फुल स्क्रीन कॉलर आईडी। आप अपने फोन में अगर गैलेक्सी वॉच या कोई भी नेकबैंड या TWS कनेक्ट करोगे तो आप उनके बैटरी लेवल को काफी आसानी से जान पाओगे बैटरी विजेट के जरिए। तो उसे इनेबल करने के लिए आपको होम पेज पे लॉन्ग टैप करना है, जाना है विजेट में, बैटरी पे टैप कीजिए, किसी भी एक स्टाइल पे लॉन्ग टैप करके इसे ड्रैग कीजिए होम पेज पे। आप इसकी साइज भी चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको शो करेंगे अलग अलग डिवाइस के बैटरी लेवल, जैसे कि ये है फोन, ईयरबड, ईयरबड के केस और ये है नेकबैंड। आपके फोन में कितनी रैम और स्टोरेज अवेलेबल है आप काफी इजीली जान सकते हो। तो उसके लिए आपको होम पेज पे लॉन्ग टैप करना है, जाना है विजेट में, डिवाइस के पे टैप कीजिए, दूसरे विजेट पे लॉन्ग टैप करके आप इसे ड्रैग करके प्लेस कर सकते हो। फिर आपको इस पे लॉन्ग टैप करना है, जाना है सेटिंग्स में, स्टोरेज एंड मेमोरी पे टैप कीजिए और यहाँ पे होगा अवेलेबल का ऑप्शन, टैप कीजिए, सेव कीजिए। तो आपके फोन में कितनी स्टोरेज अवेलेबल है, मेमोरी कितनी अवेलेबल है, मतलब कि रैम, अब आप यहाँ पे इस तरीके से चेक कर पाओगे और आप चाहो तो रैम को क्लीन भी कर सकते हो ब्रश के आइकन पे टैप करके इस तरीके से। गैलरी में जो एल्बम से आप उन्हें लॉक कर सकते हो पासवर्ड और बायोमेट्रिक के साथ। तो किसी भी एल्बम को लॉक करने के लिए आपको इनेबल करना पड़ेगा लॉक एल्बम का फीचर। तो उसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, अबाउट गैलरी पे टैप कीजिए, वर्जन नंबर पे आपको लगातार 13 बार टैप करना है, 13 टाइम्स बैक जाइए और लास्ट में आपको मिलेगा यहाँ पे गैलरी लैब्स का नया फीचर, टैप करके इसे ओपन कीजिए और यहाँ पे होगा एल्बम एंट्री लॉक्स, आपको इसे ऑन करना है, ओके कीजिए, गैलरी को क्लोज करके ओपन कीजिए। तो अगर आपको किसी भी एल्बम को लॉक करना हो तो आपको इस पे लॉन्ग टैप करना है, मोर पे टैप कीजिए और ये रहा लॉक एल्बम, टैप कीजिए। इस तरीके से आप किसी भी एल्बम को लॉक कर सकते हो बड़ी आसानी से। और लॉक किए गए एल्बम को अगर आपको ओपन करना हुआ तो आपको एंटर करना पड़ेगा आपका पिन या आपका फिंगरप्रिंट आपको स्कैन करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उस एल्बम को ओपन कर पाओगे इस तरीके से। और लॉक के फीचर को ऑफ करने के लिए आपको सबसे पहले उसे ओपन करना है और यहाँ पे आपको मिलेगा अनलॉक एल्बम, उस पर टैप कीजिए। इस तरीके से आप एल्बम को लॉक अनलॉक कर पाओगे जब चाहे तब। इस फोन में आप कई सारे फोटोज को एक साथ PDF में सेव कर सकते हो। तो उसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, गैलरी लैब्स को ओपन कीजिए और यहाँ पे होगा सेव एज PDF, इसे ऑन कीजिए, गैलरी को रिस्टार्ट कीजिए, क्लोज करके ओपन कीजिए, पिक्चर्स पे टैप कीजिए। अब इनमें से आपको कौन सी फोटोज को PDF में करना है सेव, उन्हें आपको करना है सिलेक्ट इस तरीके से, फिर आपको मोर पे टैप करना है, ये रहा सेव एज PDF, टैप कीजिए, आपके सारे फोटोज हो जाएंगे PDF में कन्वर्ट और आप इन्हें देख पाओगे इस तरीके से PDF फॉर्मेट में और आप इसे सेव भी कर पाओगे सेव एज फाइल के जरिए। आपके फोन में रिसाइकल बिन में कितनी स्टोरेज ऑक्यूपाई हो रही है आप काफी इजिली जान सकते हो। तो रिसाइकल बिन के स्टोरेज इन्फो को इनेबल करने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, गैलरी लैब्स को ओपन कीजिए और यहाँ पे होगा एक ऑप्शन शो ट्रैश स्टोरेज इन्फो, इसे ऑन कीजिए, गैलरी को रिस्टार्ट कीजिए। इसके बाद अगर आप किसी भी फोटो को करोगे डिलीट तो आप देखोगे आपको मिलेगा इस तरीके से इन्फो, जहां पे लिखा होगा रिसाइकल बिन में कितनी स्टोरेज ऑक्यूपाई हो रही है। कई सारे ऐप्स ऐसे होते हैं जो मल्टी विंडो सपोर्ट नहीं करते, जैसे कि आप देखोगे इंस्टाग्राम, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है मल्टी विंडो का। इसके अलावा सैमसंग वॉलेट में भी ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर आप देखोगे गैलरी में तो यहाँ पे आपको मिलेंगे मल्टी विंडो के लिए दो ऑप्शन। इस तरीके से अगर आप चाहते हो ये दो ऑप्शन इस ऐप में भी मिले तो आप ऐसा भी इनेबल कर सकते हो। तो आपको जाना है सेटिंग्स में, एडवांस फीचर्स में, लैप्स में और यहाँ पे है मल्टी विंडो फॉर ऑल ऐप्स, आपको इसे ऑन करना है। इसके बाद अगर आप इंस्टाग्राम को ओपन करोगे रिसेंट ऐप में, आप देखोगे अब यहाँ पे भी आपको मिलेंगे मल्टी विंडो के लिए ऑप्शन, मतलब कि आप इस ऐप को पॉपअप विंडो में और स्प्लिट व्यू में भी ओपन कर सकते हो। अब सभी ऐप्स को आप कर पाओगे मल्टी विंडो में ओपन। इस फोन में किसी भी ऐप को मल्टी विंडो में ओपन करना काफी आसान है।
तो अगर आपको किसी भी ऐप को ओपन करना है पॉपअप विंडो में, तो आपको लेफ्ट या राइट कॉर्नर से इस तरीके से स्वाइप डाउन करना है। आप देखोगे ये हो चुका है पॉपअप विंडो में ओपन। फिर आप इसकी साइज चेंज कर सकते हो इस तरीके से, और आप इसे ड्रैग भी कर सकते हो जहां पे चाहे वहां पे। स्प्लिट व्यू में ओपन करना हुआ तो आपको टू फिंगर से करना है स्वाइप अप, बॉटम की ओर से टू फिंगर से स्वाइप अप कीजिए। ये हो चुका है स्प्लिट व्यू में ओपन, और फिर आप किसी भी ऐप को नीचे ओपन कर पाओगे इस तरीके से टैप करके। इन दोनों फीचर को ऑन करने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, एडवांस फीचर्स में, लैप्स में, और ये है दो ऑप्शन, स्वाइप फॉर पॉपअप व्यू और स्वाइप फॉर स्प्लिट व्यू, दोनों को ऑन कीजिए। इस फोन में अगर आपको कहीं भी कॉल आएगा तो कॉलिंग स्क्रीन पे कॉन्टैक्ट के नाम के साथ कॉन्टैक्ट का नंबर भी शो करेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कॉलिंग स्क्रीन पे केवल कॉन्टैक्ट का नाम शो करे, कॉन्टैक्ट का नंबर ना शो करे, तो आप नंबर को हाइड कर सकते हो कॉलिंग स्क्रीन पे। तो उसके लिए आपको जाना है फोन ऐप में, सेटिंग्स में, अदर कॉल सेटिंग्स में, और यहां पे होगा शो कॉन्टैक्ट नंबर इन कॉल्स, आपको इसे ऑफ करना है। इसके बाद कॉल आने पर आपको कॉन्टैक्ट का नंबर शो नहीं करेगा, आपको शो करेगा केवल कॉन्टैक्ट का नाम। किसी भी फाइल को अगर आप इस फोन में रेंडम नाम देकर सेव करोगे, जैसे कि कोई भी पीडीएफ फाइल, टेक्स्ट फाइल या ऑडियो फाइल, तो हो सकता है कि आपके जो फाइल्स है ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए। तो अगर आप चाहते हो आपके फाइल्स ऑटोमेटिकली डिलीट ना हो तो आप इसे रोक भी सकते हो। इसे इनेबल करने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, बैटरी एंड डिवाइस केयर में, थ्री डॉट पे टैप कीजिए, यहाँ पे होगा स्टोरेज बूस्टर, इसे ओपन कीजिए, और आपको ये ऑप्शन जो है ऑटो डिलीट अननेसेसरी डेटा, आपको इसे ऑफ करना है। आप अगर किसी भी फाइल को शेयर करते हो, जैसे कि अगर मुझे इस फाइल को शेयर करना हुआ, तो आपको मिलता है ये शेयर शीट, जहां पे आपको मिलेंगे अलग अलग ऐप। अब यहाँ पे ऐसे भी ऐप्स होंगे जो शेयर करने के लिए आप यूज नहीं करते, तो अगर आप चाहते हो जो ऐप्स आप यूज करते हो शेयर करने के लिए वही ऐप्स यहाँ पे शो करें, तो आप इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। तो आपको जाना है मोर में, पेंसिल के आइकन पे टैप कीजिए। अब मान लेते शेयर करने के लिए मैं यूज करता हूं व्हाट्सएप, बीटी, जीमेल, प्रिंट, इंस्टाग्राम, फोटोज, स्नैपचैट। फिर आपको बैक जाना है, तो आप देखोगे जो ऐप्स आपने किए सिलेक्ट, अब वही ऐप्स आपको शो करेंगे शेयर शीट में। आप इस फोन में कीबोर्ड के जरिए ही बिना यूट्यूब को ओपन किए यूट्यूब वीडियो की जो लिंक है उसे शेयर कर सकते हो डायरेक्टली किसी भी ऐप में। तो उसे इनेबल करने के लिए आपको जाना है कीबोर्ड के सेटिंग्स में, और यहाँ पे होगा नीचे में सिलेक्ट थर्ड पार्टी कंटेंट टू यूज, इस पर टैप करके आपको गूगल को ऑन करना है। इसके बाद अगर आप देखोगे आपको यहाँ पे मिलेगा यूट्यूब का बटन, थ्री डॉट पे टैप कीजिए, और ये है यूट्यूब, लॉन्ग टैप करके इसे ड्रैग कीजिए ऊपर में इस तरीके से। तो आपको अब यूट्यूब बटन पे टैप करना है, सर्च कीजिए यहाँ पे जो भी आपको सर्च करना है, जैसे कि ES Techno Samsung M14। जैसे आप सर्च करोगे आपको मिलेंगे वो वीडियो, और आप उन्हें इस तरीके से टैप करके शेयर कर सकते हो अपने किसी भी ऐप में बड़ी आसानी से। YouTube को ओपन करने की जरूरत नहीं है किसी भी वीडियो के लिंक को शेयर करने के लिए। दोस्तों तो ये थी वो 20 सेटिंग्स जो आपको चेंज करनी थी आपके Samsung Galaxy M14 5G में। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो, आप मुझे Instagram पे या फिर Twitter पे भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।